अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ रबड़ी दूध, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है और गर्मियों में दिल चाहता है ठंडा ठंडा पीने का। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रबड़ी दूध की रेसिपी, जो कि हेल्दी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक प्याली में मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून तुफम्बलंगा, इसको मैं भिगो दूँगी। मिक्स कर लेंगे इसको पानी के अंदर और थोड़ी देर रहने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। तो रबड़ी दूध बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं पैन में ले लूँगी 1 कप भर के चीनी, और चीनी को हमने कैरेमलाइज होने देना है। तो जी चीनी जो है यहाँ पर ये देखिए मेल्ट होने लग चुकी है, और साथ साथ में इसमें चमचा हिलाती जा रही हूँ ताकि चीनी जो है बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए, इसका कलर हमने लाइट रखना है। तो जी शुगर जो है यहाँ पर मेल्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने दूध लिया है 1 लीटर, और दूध को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और पकाते जाएंगे साथ साथ। थोड़ा थोड़ा आपने इसमें दूध डालना है, एक साथ दूध डाल देंगे तो इसमें गिल्डियाँ सी बन जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के इसको मिक्स करते रहना है आपने इस तरह से। अब इसे मिक्स करके पकाएंगे हम तकरीबन 5 मिनट दरमियानी आंच पर। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूध का कितना खूबसूरत सा कलर हो चुका है। आपने कमेंट्स में ये नहीं कहना है कि हम दूध उबालते हुए साथ में चीनी डाल देते तो भी ये पक जाता, लेकिन हमने रबड़ी दूध बनाना है तो इसका कलर भी रबड़ी जैसा आना चाहिए। तो इसलिए जो है इसको पहले हमने कैरेमलाइज्ड शुगर को करना पड़ता है, इसके बाद इसमें दूध डालना होता है। और जैसे ही आप दूध डालेंगे तो इसमें छोटी छोटी से ना गिल्टियाँ सी लम्स से बन जाएंगे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, आप बस इसको हिलाते रहेंगे तो वो जो सारे लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगे जैसे ही दूध पकता जाएगा। बस आपने साथ साथ चमचा हिलाते रहना है इसमें। तो जब तक यहाँ पर दूध पक रहा है, दूसरी तरफ जो है हम कस्टर्ड पाउडर का लिक्विड तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 ग्लास दूध, और इसका लिक्विड तैयार कर लेंगे हम। तो जी यहाँ पर जो है मैंने कस्टर्ड का लिक्विड तैयार कर लिया है, और दूध भी यहाँ पर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है ये देखिए, और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत सा आया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी कस्टर्ड लिक्विड, और इसको थोड़ा सा थिक होने तक पकाएंगे हम। तो ये देखें काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, और जो हमारा जो रबड़ी दूध है वो बनकर तैयार हो गया है। अब इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर रबड़ी दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका है। अब इसमें डाल दूँगी तुफम्बलंगा, जिसे मैंने भिगो के रखा हुआ था, मिक्स कर लेंगे। तो जी रबड़ी दूध को मैंने एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी ढेर सारी आइस क्यूब्स, और बारीक बारीक कटे हुए थोड़े से बादाम पिस्ते और काजू हैं तो डाल दीजिए, वरना इसे स्किप कर दें, मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा रबड़ी दूध बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आज की ये ड्रिंक की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।